क्यों दो दोस्त बन गए दुश्मन? राजा भैया गुलशन यादव में क्यों हुई दुश्मनी? कभी राजा भैया के रणनीतिकार थे गुलशन यादव। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर राजा भैया और सपा के गुलशन यादव आमने सामने हैं। वही राजा भैया जिसके नाम पर लोग कांप उठते हैं, वही राजा भैया जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता, वही राजा भैया जिसके सामने चुनाव में कोई उतरने की सोचता भी नहीं है। लेकिन इस बार राजा भैया को टक्कर देने के लिए कोई और नहीं बल्कि राजा भैया के कभी दोस्त रहे गुलशन यादव है। सपा ने गुलशन यादव को राजा भैया के खिलाफ उतारा है। कभी दोस्त हुआ करते थे राजा भैया और गुलशन यादव। राजा भैया और गुलशन यादव कभी खास दोस्त हुआ करते थे और गुलशन यादव राजा भैया के खास रणनीतिकारों में से एक थे। प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी उस वक्त राजा भैया पर पोटा लगाया गया था और इसमें गवाह राजेंद्र यादव थे। गवाह राजेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी जिसका आरोप भी गुलशन यादव पर लगा था। गुलशन यादव जेल में भी गए थे लेकिन सपा सरकार बनने पर जेल से छूटकर बाहर आ गए थे। इसके बाद गुलशन यादव राजा भैया के करीबी बन गए थे। सपा सरकार के दौरान कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई और इस मामले में राजा भैया के साथ साथ गुलशन यादव पर भी आरोप लगा था। इसके बाद कुंडा में राजा भैया की करीबी पुष्पेंद्र सिंह पर हमले के मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। माना जाता है कि यहीं से राजा भैया और गुलशन यादव में दूरियां बढ़ गई। 2011 में राजा भैया के समर्थन से गुलशन यादव कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन बने। 2017 के नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के लिए गुलशन यादव ने राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ अपनी पत्नी सीमा यादव को मैदान में उतारा और सीमा यादव चुनाव जीत गई। कुंडा से राजा भैया लगातार 6 बार से विधायक बनते आ रहे हैं। 1993 से लेकर 2017 तक राजा भैया ने कुंडा से लगातार जीत दर्ज की और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर भी बढ़ता गया। समाजवादी पार्टी ने आखिरी बार 2002 में राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी उतारा था। उसके बाद हर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी न उतार कर राजा भैया को समर्थन दिया। राजा भैया के रसूख, उनकी दबंगई और उनके नाम से लोगों के बीच आने वाली एक हिचक भी तमाम कहानियां चर्चित है। 1993 में बाहुबली राजा भैया ने पॉलिटिकल डेब्यू किया था, तब से लगातार कुंडा से विधायक बन रहे हैं। 93, 96, 2002, 2007, 2012 और 17 में वो विधायक बने। अब तो अपनी पार्टी भी बना ली है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर राजा भैया एक बार फिर कुंडा से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में उतर रहे हैं। पिछले तमाम चुनाव में कुंडा से प्रत्याशी खड़ा न करके समाजवादी पार्टी एक तरह से राजा भैया को समर्थन देती आई है, लेकिन 2018 में अखिलेश यादव और राजा भैया के संबंध खराब होने के बाद अब सपा ने कुंडा से प्रत्याशी खड़ा करने की ठान ली है और राजा भैया के खिलाफ टिकट मिला है कुंडा के ही एक और दबंग गुलशन यादव को। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुलशन यादव ने हाल ही में राजा भैया के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया। उस टिप्पणी के बाद गुलशन यादव ने ट्वीट कर राजा भैया और MLC अक्षय प्रताप सिंह से अपनी जान को खतरा बताया।